की अष्टमी आई, जीवन में खुशियां भर लाई, मैया होई कृपा दिखाई, मैया की जहां पूजा होती, संतानों की रक्षा होती, पुत्र पुत्र की आयु बढ़ती, मैया होई कृपा दिखाती, मन से करना माँ की भक्ति, पारा अद्भुत अनुपम शक्ति।
खुशियाँ है लाई, सुख पाती सारी संता, मैया अहोई तुम्हें प्रणाम। ओ कार्तिक कृष्ण की अष्टमी आती, मैया अहो कृपा बरसाती, सृष्टि में है गूंजे नाम, मैया अहोई तुम्हें प्रणाम। ओ पावन करती क्या कहने, संताने पाती वरदान, मैया अहोई तुम्हें प्रणाम। ओ पुत्रों की रक्षा माँ करती, वैभव आरोग्य देती, माँ का नाम परम सुखदा, मैया अहोई तुम्हें प्रणाम। ओ पावन गाथा व्रत की सुनाऊं, आओ भक्तों मैं बतलाऊं, परिवार था उसका, सात पुत्र और बहुएं तमाम, मैया अहोई तुम्हें प्रणाम। ओ बेटी ओ दीपावली पे घर आई थी, अपने मिट्टी चाही, लगी खोदने भूमि तमाम, मैया अहोई तुम्हें प्रणाम। ओ अनजाने एक पाप कमा, श्याहू माता दुखी तमाम, मैया अहोई तुम्हें प्रणाम। ओ कोख बांधने का श्राप था दीन्हा,
थकीना बंधाई ले आ
स्याहू मैया। ओ सात पुत्रों का वर था दीना, फलीभूत हुमाए संतान का मार्ग बताया।
अष्टमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम होई अष्टमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जनों, आज हम अहोई अष्टमी के व्रत की कथा का वर्णन करेंगे। ये व्रत हर कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दीपावली से पहले और करवा चौथ के चार दिन बाद मनाया जाता है। माताएं इस व्रत को अपनी संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना करते हुए मनाती हैं। अपनी संतान के लिए माताएं निर्जल व्रत रखती हैं और माता अहोई का पूजन करके स्याहू माता की कथा सुनती हैं। अहोई अष्टमी की है भक्तों बड़ी प्राचीन कथा। एक समय किसी नगर में एक था साहूकार रहता। सात पुत्र थे साहूकार के और एक पुत्री है। सातों ही पुत्रों की उसने शादी कर दी है। सात ही बहुएं साहूकार के घर में आ गई है। प्रसन्नता पूर्वक दिन कटते कोई भी कमी नहीं है। पुत्र और बहुएं उनका सब तो कहां मानते हैं। बड़ा सभ्य परिवार नगर के वासी जानते हैं। होता आदर साहूकार का जहां भी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। साहूकार के सात बेटे और सात बहुएं थीं। परिवार के सभी लोग एक दूसरे का आदर सम्मान करते थे और किसी भी तीज त्योहार के मौके को सब साथ मिलकर मनाते थे। साहूकार की एक पुत्री भी थी। अपनी पुत्री का विवाह उसने कर दिया था और वो अपनी ससुराल में इकलौती बहू थी। एक बार की बात है, दीपावली के अवसर पर साहूकार की पुत्री भी अपने मायके आई हुई थी। दीपावली के अवसर पर सातों भाभियों और ननद मिलकर के घर की साफ सफाई कर रहे थे और लिपाई के लिए मिट्टी लाने साहूकार की पुत्री अपनी भाभियों के साथ खदान में चली गई। दीपावली का पर्व भी अब तो निकट ही आया है। घर की साफ सफाई का सबने बीड़ा उठाया है। साहूकार की पत्नी ने सब बहुओं को है बुलाया। खोद के मिट्टी ले आओ, तुम सबको इतना बताया। साहूकार की पुत्री उसकी माँ से कहने लगी, मिट्टी लाने भाभियों के संग जाऊंगी मैं भी। फिर तो सबने अपनी अपनी कुदाल उठाई है, मिट्टी खोदने के लिए वो तो खदान में आई है। करके लिपाई घरों को सुंदर जिससे बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
भक्तजनों, साहूकार की सब बहुएं और उसकी पुत्री घर की लिपाई करने के लिए खादान में मिट्टी खोदने के लिए आ जाती हैं और सात बहुएं और ननद मिट्टी खोदने लग जाती हैं। जहां साहूकार की पुत्री मिट्टी खोद रही थी, वहां एक स्याहू ने बच्चे को जन्म दिया था। साहूकार की पुत्री की कुदाल स्याहू के बच्चे को लग गई और स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू ने जब मरे हुए बच्चे को देखा तो विलाप करने लगी और क्रोधित होकर साहूकार की पुत्री को कहने लगी, तुमने मेरे बच्चे की हत्या की है, अतः मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। क्योंकि साहूकार की पुत्री अपने घर में इकलौती बहू थी और वो सोच में पड़ जाती है। पाप तो हो गया, कोख अगर मेरी बंध जाएगी, वंश बेल मेरे ससुर की ना आगे बढ़ पाएगी। कहने लगी स्याहू माता से क्षमा मुझे कर दो, मेरी भाभियों में से किसी की कोख बांध तुम दो। स्याहू ने फिर विनती उस लड़की की मान ली है, कहने लगी तुम बोलो किसकी कोख बांधनी है। छोटी भाभी ने बदले में अपनी कोख बंधवाई, फिर मिट्टी ले करके वो सब घर में चली है आई। साहूकार तो पर इस बात को जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। साहूकार की पुत्री ने अपने बदले में कोख बंधवाने के लिए सभी भाभियों से विनती की। उसकी बड़ी छह भाभियां तो नहीं मानी, पर छोटी बहू ने अपने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। फिर सभी मिट्टी लेकर अपने घर आ गईं। साहूकार को इस बात का पता ना चला, कुछ दिनों पश्चात ही छोटी बहू उम्मीद से हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। किंतु छोटी बहू का पुत्र जन्म के 7 दिन बाद ही मर गया। तो आइए भक्तों, आगे की कथा क्या है आप सभी को बताते हैं। बांधी कोख थी छोटी बहू की, जिसका असर हुआ है, पुत्र हुआ पर 7 दिनों के बाद ही मर गया है। क्षण भर की खुशियां थी जो आकर के लौट गई, छोटी बहू की कोख बधी पता साहूकार को नहीं। कहने लगा वो छोटी बहू से, बेटी धीर धरो, और पुत्र हो जाएगा, तुम थोड़ा सब्र करो। एक एक कर छोटी बहू के पुत्र है 7 हुए, 7 दिनों से अधिक है किंतु वो सब नहीं जिए। साहूकार भी अब तो चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब छोटी बहू के 7ों ही पुत्र 7 दिनों के पश्चात मरने लगे, तो साहूकार को बड़ी ही चिंता हुई। उसने एक ज्ञानी पंडित को बुलवाया और बताया कि मेरे छोटे पुत्र की संतान 7 दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाती। तब पंडित जी ने साहूकार को बताया कि तुम्हारी छोटी बहू की कोख स्याहू ने बांध दी है। उसने छोटी बहू को सुरही गाय की सेवा करने का उपाय बताया
पंडित का आदेश मानकर छोटी बहू सुरही गाय की सेवा करने लगी। सुरही गाय की सेवा करने छोटी बहू जाती है, कौन करे मेरी सेवा, सुरही जान न चाहती है। सुरही गाय ने छोटी बहू से एक दिन पूछ लिया, करती हो मेरी सेवा, बोलो तुम्हें चाहिए क्या। छोटी बहू ने सुरही गाय को सारी बात बताई, अपने ननंद के बदले में है मैंने कोख बंधवाई, क्योंकि ननंद तो थी ससुराल में उनकी बहू अकेली, उसकी विपदा मैंने सुरही अपने ऊपर ले ली। होते तो है पुत्र मेरे होकर मर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर सुरही गाय कहने लगी कि यदि स्याहू ने तुम्हारी कोख बांध दी है तो स्याहू तो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, मैं तुम्हें स्याहू माता के पास ले चलूंगी, लेकिन स्याहू तो सात समुंदर पार रहती है, हम उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इतना कहकर साहूकार की छोटी बहू और सुरही गाय साहू माता के पास चल दिए। जब वो दोनों थक गई तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगी। उस वृक्ष में एक गरुड़नी ने बच्चे दिए थे। तभी छोटी बहू ने देखा कि एक सांप गरुड़नी के बच्चे को डसने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, तो छोटी बहू ने उस सांप को मार डाला। जब गरुड़नी आई तो उसे बच्चे ने बताया कि इसने मुझे सांप से बचाया है, तो गरुड़नी छोटी बहू से कहने लगी, तुमने बहना मेरे बेटे की बचाई जान है, मुझ पर तुमने कर दिया ये तो बड़ा एहसान है। कहां से तुम आई हो बताओ और कहां है जाना, अपनी बहन समझकर मुझको सब कुछ आप बताना। छोटी बहू और सुरही गाय ने सब कुछ उसे बताया, स्याहू माता के पास में जाना ये भी है समझाया। बोली गरुड़नी स्याहू के पास में तुम्हें ले जाऊंगी, तुमने अपना फर्ज निभाया मैं भी निभाऊंगी। शुभ चिंतक एक दूजे के काम में हाथ बटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जब साहूकार की छोटी बहू ने गरुड़नी के बच्चे को सर्प के डसने से बचाया तो गरुड़नी ने उसका बड़ा ही आभार जताया और कहने लगी, हे बहन, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं आपको सात समुंदर पार स्याहू माता के पास लेकर के जाऊंगी। साहूकार की छोटी बहू और साथ में सुरही गाय, बोली गरुड़नी आप हमारी पीठ पे बैठ ही जाए। छोटी बहू ने क्योंकि उस पर किया बड़ा एहसान, तब से गरुड़नी ने उसको है लिया सहेली मान। पीठ पे दोनों को बैठा के गरुड़नी उड़ने लगी, गरुड़नी स्याहू माता के पास में चले सभी।
ऐसी भरी उड़ारी उसने नहीं है देर लगाई। सात समुंदर पार वो दोनों को लेकर है आई। स्याहू माता के पास में तीनों पहुंच ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जनों इस तरह गरुड़नी सुरही गाय और साहूकार की छोटी बहू को शाहू माता के पास छोड़ देती है। सुरही गाय को देखकर शाहू बड़ी ही प्रसन्न होती है और कहती है, हे सुरही, बहुत दिनों बाद मिली हो, अब कुछ दिन मेरे साथ ही रुकना। फिर शाहू माता ने साहूकार की छोटी बहू के बारे में पूछा तो सुरही ने बताया, ये भी मेरी ही सहेली है, इसने मेरी बहुत सेवा की है और अब तुम्हारी सेवा करना चाहती है। फिर छोटी बहू शाहू माता की सेवा करने लग जाती है। जैसे सुरही गाय की छोटी बहू ने सेवा की, शाहू माता की भी करने लगी है वैसे ही। शाहू माता उसकी सेवा से वो प्रसन्न हुई, बोली, शाहू मांग लो मुझसे तुम वरदान कोई। कहने लगी कि छोटी बहू नहीं मुझे कोई संतान, देना है तो दे दो मुझे तुम पुत्रों का वरदान। बोली शाहू, जाओ तुमको पुत्र साथ होंगे और साथ ही आ जाएंगी घर में तेरे बहुएं। मेरे दिए वरदान कभी नहीं खाली जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छोटी बहू को शाहू ने वरदान दे दिया कि तुम्हारे घर में सात पुत्र और बहुएं होंगी। छोटी बहू कहने लगी, हे माता, मुझे पुत्र कैसे हो सकते हैं? शाहू ने ही मेरी कोख को बांध दिया है। और छोटी बहू ने सारी कहानी शाहू माता को बता दी। इतना सुनकर शाहू कहने लगी, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ, मेरा वरदान सच साबित होगा। तुम जाकर अहोई अष्टमी का व्रत करना और शाहू की तस्वीर बनाकर उसकी पूजा करना। छोटी बहू जैसे ही फिर तो घर में आई है, सातों बेटे और सातों ही बहुएं पाई है। शाहू माता ने छोटी बहू को जो वरदान दिया, घर में आकर के देखा तो सच में ही है हुआ। क्योंकि स्वयं शाहू माता ने उसे वरदान दिया, सच ही हो गया जो पंडित ने उसके ससुर से कहा। सुरही गाय और शाहू की सेवा का फल मिल गया है, छोटी बहू ने फिर तो अहोई अष्टमी व्रत किया है। मृत पुत्र क्योंकि उसके जीवित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जनों इस प्रकार छोटी बहू ने जब घर आकर देखा तो उसके सातों बेटे जीवित थे और उनके सात बहुएं भी थीं।
तब छोटी बहू ने माता अहोई का व्रत किया। तब से अहोई के व्रत की प्रथा चली आ रही है। भक्तों, माता अहोई का व्रत करने से संतान पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं और जिनको संतान नहीं होती उनको भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। माताओं के द्वारा जब ये व्रत किया जाता है कोई न संकट फिर उसकी संतान पे आता है। निर्जल व्रत माँ है संतान के सुख के लिए करती, आई हुई मुसीबत भी तब बच्चों की टलती। अहोई माता सुखी रहे सदा सबकी ही संतान, हंस राज रल हन कह सबको देना ये वरदान। अहोई अष्टमी व्रत कथा ये डीएस पालन गाई, फौज सुरेश ने सिमर शारदा अपनी कलम चलाई। लाखों सनातन प्रेमी जिसको सुनना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं।